आईसीसी ने कौमी क्रिकेट आसफ अली पर पाबंदी लगा दी। बड़ी खबर आ गई। वेस्टइंडीज कौमी क्रिकेट के टीम के बल्लेबाज मिडल ऑर्डर बैट्समैन आसफ अली पर पाबंदी लगाए जाने का ट्रेंड गुज़श्ता रोज से चल रहा था, जिस हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की जानब से आज बाज़ाब्ता तौर पर फैसले का ऐलान मुतवक्का है। तफसीलात के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज आसफ गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान के दरमियान एहतसाब शिकन मैच के इख्तिताम पर अफगान बॉलर फरीद अहमद के साथ उलझ पड़े थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अफगानी और गैर मुल्की अवाम की जानब से इन पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया था। ज़राए के मुताबिक 30 साल मोहम्मद आसफ पाबंदी से बच गए हैं, मगर इनका मामूली जुर्माना हो सकता है क्योंकि अंपायर ने अफगान पेसर की जानब से इब्तदाई इश्ताल अंगेजी का भी नोटिस ले लिया। दाएं हाथ जा रहाना स्ट्रोक लगने वाले मोहम्मद आसिफ पर एक मैच फिक्स का जुर्माना हो सकता है, जबकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात से बचने के लिए इन्हें एक ऑफिशियल वार्निंग भी दी जाएगी। एक टीवी शो के दौरान साबका क्रिकेट कैपर बल्लेबाज राशिद लतीफ ने दावा किया था कि आसिफ अली को इनके रद्द अमल की वजह से आईसीसी की जानिब से 4-5 मैचों की पाबंदी लग सकती है। राशिद लतीफ ने बताया कि साबका ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के साथ एक ऐसा ही वाकया पेश आया को 2007 में मुखालफ की इश्ताल अंगेजी पर इस तरह के रद्द अमल की वजह से 4 मैचों की पाबंदी की सजा दी गई थी।